अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना का क्वेश्चन है। जनगणना से कई क्वेश्चन आए हुए हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम, तो बिहार इसमें होता, तो ऑप्शन बिहार होता, लेकिन बिहार ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो अगला है आपका उत्तर राजस्थान, यानी उत्तर होगा राजस्थान। वर्ष, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है। बहुत हाई हार्ड मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ भी पूछा गया, नागालैंड की जो जनसंख्या है वो 2001 की से लगातार इसमें कमी आई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की साक्षरता सर्वाधिक, तो इसमें यानी जैसे सर्वाधिक साक्षरता तो केरल में है, लेकिन इन चारों ऑप्शन में आपको तलाशना है, इन चारों ऑप्शन में जो सर्वाधिक साक्षरता दर है वह मणिपुर का। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो ये आपका है 31.16%, अर्थात बी उत्तर होगा इसका। ये देखिए क्वेश्चन पहाड़ी और उसके राज्य से संबंधित है, इसमें देखिए मैच कराइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गारो मेघालय से, मिसी जो है आपका ये कहाँ पर, मिसमी आपका अरुणाचल प्रदेश, कुलई या आपका तमिलनाडु, डालमा आपका झारखंड, अर्थात देखें कि उत्तर कैसे होगा, ए का वन, बी का थ्री, अर्थात ये फिर तीसरा भी आपको चूज करना होगा, ये अर्थात ये उत्तर सही होगा राज्य से। अब भारत में तटीय राज्यों की संख्या है, यहाँ देखें ऐसे क्वेश्चन कई बार कराया जा चुका है बच्चों को और लगभग सही भी हुआ है। देखिए अधिकांश लोगों का जो फ़ोन आ रहे हैं वह है इसका उत्तर आपका 9। भारत में कुल 9 राज्यों की तटीय सीमा विस्तार है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, ये है उत्तर बिहार। मतलब बिहार राज्य में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। इसके पहले जो 2001 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो सबसे अधिक था आपका पश्चिम बंगाल का, लेकिन 11 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है बिहार का है। देखिए ये क्वेश्चन है अगला, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसमें सबसे जो जनसंख्या को कंट्रोल करने का उपाय है वह है जन्म को नियंत्रित किया जाए, अर्थात सी उत्तर सही होगा। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, स्वपोषी स्वपोषगज पोषणज स्तर का उत्पादन स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, यानी ये उत्तर ये कथन सही है, स्वपोषी जो जीव होते हैं उनको प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। दूसरा है द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ स्वपोषी विषम पोषणज के स्तर पर, यह भी कथन आपका सही है, अर्थात दोनों कथन आपके सही है, तात्पर्य होगा एक तथा दो दोनों सही है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एवं पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होगा, ऊर्जा घटेगी बढ़ेगी ये बताना चाह रहा है, तो ऊर्जा लगातार घटती जाती है, यानी अगर एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा सदैव घटता है, अगर इसको हम खाद्य श्रृंखला के माध्यम से क्लास में पढ़ाते भी हैं, देखते भी हैं इन चीज़ों को। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विषमता पाया जाता है, यानी बायोडाइवर्सिटी किस प्रकार के वनों में ज़्यादा पाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा उष्ण कटिबंधी सदाबहारी वन में। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों, यानी महानगर का मतलब यहाँ है 10 लाख ही नगरों की जनसंख्या से, तो इसका जो परसेंटेज है वह है 42.61%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी, इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक जो नगरीय प्रतिशत है वो है गोवा और न्यूनतम है हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर है, बहुत अच्छा यूनिक क्वेश्चन बनाया है, अब तक ये क्वेश्चन आया नहीं, इसमें उत्तर होगा मिजोरम, यानी मिजोरम साक्षरता दर में भी आगे है केरल के बाद मिजोरम, और नगरीकरण में भी आपका मिजोरम का सेकंड स्थान है, अर्थात नगरीकरण में सबसे ज़्यादा है आपका गोवा और गोवा के बाद मिजोरम का स्थान है।
इसमें देखें वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, यानी सबसे ज़्यादा नगरीकरण आपका कहाँ पर है। इसमें उत्तर में आपको चारों ऑप्शन के नंबर एक ये होगा महाराष्ट्र, और देखिए इसी से ही एक क्वेश्चन से ही आपका उत्तर निकल आ रहा है, अर्थात क्या होगा बी। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिला। कुछ बच्चे बल्कि कन्फ्यूजन होकर के गाजियाबाद भी लगाए हैं, लेकिन ये उत्तर क्या होगा, नोएडा आपका गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ये देखिए सीधा क्लास में बताया गया था इसे, आपका उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना है, इसका उत्तर होगा आपका ये सी उत्तर होगा आपका। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, ये कथन सही है, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश आपका भोजपुरी जो भाषा है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, ये कथन सही नहीं है। वजह क्या है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, मिथिला और भी कई भाषाओं को बोल लेते हैं, लेकिन जो है केवल वहाँ पे जो है दूसरी भाषाओं में वो असहज नहीं होते, अर्थात होगा इसका उत्तर ए सही है किंतु आर गलत है, अर्थात सी उत्तर होगा इसका। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, इसका उत्तर होगा दशहरी आम कहाँ का है, लखनऊ का। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका उत्तर होगा जलमंडल, क्योंकि समुद्र जो है सर्वाधिक जो थोड़ा सा घुमाया है, बृहद सबसे ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र का है, और इसमें जलमंडल तो ऑलरेडी पूरा का पूरा समुद्र है, बल्कि कुछ संस्थानों ने इसमें जो उत्तर दिया है वह जैवमंडल को, लेकिन इसका परफेक्ट जो उत्तर होगा वह है जलमंडल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में यानी 2001 की गणना से 11 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 11.45% की वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, आगरा है, खुर्जा है, मेरठ है, इलाहाबाद में इस प्रकार का कोई भी निर्यात विकास केंद्र अभी स्थापित नहीं किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित हैं, ये आपका मथुरा में है, ये संस्थान जो है मथुरा में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, कन्नौज इत्र का शहर है, ये कथन सही है, कन्नौज से इत्र का उत्पादन किया जाता है वहाँ से। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, तो यह कथन सही नहीं है कि प्रत्येक घर में एज ए आपका इत्र का उत्पादन होता है, यह कथन नहीं है, बल्कि इसमें क्या होगा यानी ये गलत कथन है, आपका ए सही है और आर गलत है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्योगों पर उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर चुनिए, ये आपका कहना चाह रहा है कि जो सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग है ये किससे संबंधित है, औद्योगिक अवशिष्ट प्रबंधन और औद्योगिक अनुमोदन से है, तो ये उसका उत्तर ये तो इससे संबंधित नहीं है, इसका उत्तर ये होगा अर्थात टू केवल दो सही है। अगला देखें, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था, ये करेंट में पढ़ाया गया था वाराणसी में, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म वाराणसी में हुआ था। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है, ये आपका है बलिया, बलिया ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप में जाकर देखिएगा कि सबसे पूर्वी शहर आपका बलिया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, वाराणसी संस्कृति एवं धर्म ये सही है, उत्तर लखनऊ प्रदेश की राजधानी है यह भी सही है, झांसी औद्योगिक केंद्र यह औद्योगिक केंद्र अभी नहीं है, मुरादाबाद ये पीतल उद्योग ये सही है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि है, ये इसमें उत्तर होगा आपका 8 वर्ष, 2012 में पहले 6 वर्ष था, 2012 के पहले 12 में इसको बदल करके कर दिया गया, 2 वर्ष बढ़ा दिया गया, तो हो गया है वर्तमान में 8 वर्ष, यानी अवधि जो है कार्य की अवधि जो है आपका 8 वर्ष है।